मैनपुरी में सपा ने लोकसभा की करहल विधानसभा में किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। प्रदेश के समाजवादी नेता पहुंच रहे हैं मैनपुरी। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में मछली शहर से लोकसभा प्रत्याशी रागनी सोनकर भी पहुंची। डिंपल यादव के प्रचार में इस बार मैनपुरी में सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेगी। भाजपा सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी है, झूठ बोलकर ही चुनाव जीतती है। विधिवत लोकसभा मैनपुरी के विधानसभा करहल का आज उद्घाटन हुआ है। श्रीमती डिंपल यादव जी और पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव और सभी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण और सभी साथियों के द्वारा हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और मैनपुरी में एक तरफा जीत है, एक तरफा चुनाव है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहाँ किसी तरह का जाति या किसी तरह का कोई वो नहीं है भेदभाव, एक तरफा समाजवादी पार्टी में। यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है, इस बार बीजेपी की लहर है और मैनपुरी की जनता सांसद को बीजेपी का चुनने जा रही है। यहाँ मैनपुरी में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है, सारे लोग इस बात को जानते हैं। वो खुद भी आज के 15 दिन पहले स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ एक तरफा समाजवादी है और लोकसभा मैनपुरी ये श्रद्धेय नेताजी की सरजमीन है और यहाँ एक तरफा समाजवादी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।